ये भारत और 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये भूटान से दोस्ती का एक नया दौर है। दुनिया के नक्शे में हिंदुस्तान की धमक की ये नई तस्वीर है। भूटान में प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत की इन तस्वीरों को आज पूरी दुनिया ने देखा। भूटान में पीएम मोदी का ऐसा ग्रैंड वेलकम हुआ इससे पहले शायद ही भूटान पहुंचने पर किसी का हुआ हो। मोदी के स्वागत के लिए मानो पूरा भूटान पलकें बिछाए इंतजार कर रहा था। दो दिन के राजकीय दौरे पर पहुंचने पर भूटान ने अपने बड़े भाई का जोरदार स्वागत किया। पीएम की अगुवाई के लिए खुद भूटान के पीएम एयरपोर्ट पहुंचे और गर्मजोशी से उन्हें गले लगाया। एयरपोर्ट के बाहर जहां जहां पीएम मोदी का काफिला गुजरा, भूटान के लोगों ने इस वर्ल्ड लीडर का स्वागत किया। पीएम मोदी जहां भी पहुंचे, लोगों का हुजूम उनकी एक झलक पाने को बेकरार दिखा। महिलाओं के साथ साथ छोटे छोटे मासूम बच्चों में भी मोदी का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें तमाम कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम पेश किए। भूटान के गीत हो या डांस, इनमें भारतीयता की झलक भी दिखाई दी। देश भले ही अलग हो, लेकिन रंग रूप और भाव बिल्कुल भारतीय संस्कृति में सराबोर, और पीएम मोदी ने इसका भरपूर लुत्फ उठाया। पीएम मोदी के भूटान दौरे ने भारत के साथ दोस्ती की नई कहानी लिख दी। प्रधानमंत्री मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भूटान के राजा ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यालपो से सम्मानित किया। इसके साथ ही पीएम मोदी भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति हैं। पीएम मोदी ने इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। ये भारत और 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। भूटान की इस महान भूमि पर मैं सभी भारतवासियों की ओर से यह सम्मान नम्रता से स्वीकार करता हूं। भूटान के साथ भारत की दोस्ती न सिर्फ और मजबूत हुई बल्कि कई समझौते भी हुए। पीएम मोदी ने भूटान के पीएम शेरिंग टोबगे के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल संपर्क, अंतरिक्ष और कृषि जैसे समझौते शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भूटान टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में नई ऊंचाइयां छुएगा। आज जब दुनिया क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब भूटान की ये कार्बन न्यूट्रल प्रगति विश्व को रास्ता दिखाएगी। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच रेल संपर्क संबंधी समझौते को भी अंतिम रूप दिया गया। पीएम मोदी के इस दौरे से भूटान से भारत की दोस्ती और बढ़ी है और ये सिलसिला अब थमने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।